हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये आगे वीडियो रिकमेंड करे। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स है जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफी होनार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस आईटी एंड कॉमर्स आईटी एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। भिवंडी की खराब सड़कों को लेकर MNS उतरी मैदान में। भिवंडी शहर की रोडों की हालत दिन प्रतिदिन और भी खस्ता होती जा रही है, जिससे सुबह सुबह काम पे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत व हैवी ट्रैफिक जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के एक नेता ने स्वर्गीय राजीव गांधी फ्लाईओवर के पहले खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर भिवंडी पालिका प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और गड्ढों में भरे पानी में बैठकर अपनी और जनता की परेशानी बयान की और प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द भिवंडी शहर के तमाम गड्ढों को भरा जाए ताकि एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या ना हो। तनसा डैम कभी भी हो सकता है ओवरफ्लो। मुंबई महानगर पालिका ने एक लेटर इशू कर जानकारी दी कि तनसा डैम भारी बारिश के चलते कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है और इसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं, जिससे आसपास के इलाकों और गांव में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और ये इलाके शाहपुर, वाडा और भिवंडी के कई ग्रामीण गाँव है, जैसे बारशेपी, एकसाल, चिंचवली, रावड़ी, अकलोली, गणेशपुरी, निभावली आदि गाँव है, जिसे मुंबई महानगर पालिका ने जल्द से जल्द खाली करने या फिर कहीं सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की ताकि डैम ओवरफ्लो होने पर किसी भी प्रकार की जनहानि का नुकसान न हो। वकील संगठन ने की सड़कों की मरम्मत करने की मांग। भिवंडी ग्रामीण व शहर के अधिकांश मुख्य सड़कों की दशा और दिशा बहुत खराब स्थिति में है, जिसके कारण नागरिकों को हर रोज ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आम नागरिकों की जाने भी जा रही है, जिसे देखते हुए भिवंडी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश्वर बजरंग पाटिल व संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र देकर सड़कों की मरम्मत करने की मांग की। कोटक महिंद्रा बैंक ने CSR फंड से दिया महानगर पालिका को मिनी डंपर भेंट। भिवंडी निजामपुर शहर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य के हाथों से हिंदू रीति रिवाज के साथ में इस मिनी डंपर का पालिका मुख्यालय में नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। पालिका आयुक्त अजय वैद्य के साथ साथ और भी अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय में मौजूद थे। मनपा आयुक्त ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि ये डंपर गाड़ी शहर के साफ सफाई के लिए लाई गई है। हम महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे और महाराष्ट्र में 12 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, कहा MLA रईस शेख ने। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, अबू आसिम आजमी साहब, हमने सबने इसकी घोर निंदा की है और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आप करोगे तो जो हाल आपका अयोध्या में हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। लोग इस तरह की राजनीति को रिजेक्ट कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ काम लड़ने के लिए तैयार हो रही है और देश में और राज्य में दोनों में बीजेपी शिवसेना की सरकार बाहर होगी। हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे। आज उद्धव जी से हमारी बात हुई है, हम वो सीटें जहाँ हमारी ताकत है, जहाँ माइनॉरिटी को मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी 12 से 13 सीटें महाराष्ट्र में लड़ेंगी। गुजरात के जूनागढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ का कहर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, गीर सोमनाथ और दक्षिण गुजरात, नवसारी और वलसाड में भारी बारिश की वजह से कई गांव और घरों में जलभराव की वजह से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश का दौर कल से घटने के बाद अब सामान्य जनजीवन पटरी पर आता दिखाई दे रहा है। गांजा बेचने वाला गिरफ्तार। भिवंडी शहर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामतघर हनुमान नगर में एक शख्स गांजा बेचने का काम करता है। कल रात 8 बजे भिवंडी शहर पुलिस की एक टीम ने छापेमारी कर 112 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार में कीमत 3,600 रुपए थी। भिवंडी शहर पुलिस ने गांजा विक्रेता के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रही है आगे की जांच।
आरएसएस के इवेंट्स में सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकेंगे। मोदी सरकार ने किया रूल चेंज। 1966 में ऑर्डर इशू किया गया था कि आरएसएस के किसी भी प्रोग्राम में कोई भी सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं ले सकता है। बीजेपी की मोदी सरकार ने इस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए खत्म कर दिया था। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हुक्का पार्लर पर पुलिस का छापा। भिवंडी शहर व आसपास ग्रामीण परिसर में बड़े पैमाने पर हुक्का पार्लर का अवैध कारोबार शुरू है। इसी क्रम में नारपोली पुलिस ने अंजूर देवे स्थित फार्म हाउस पर एक रेस्टोरेंट पर छापा मारकर हुक्का पार्लर मैनेजर व उसके साथी कामगार को हिरासत में लिया है। इस दरमियान पुलिस ने हुक्का पार्ट्स व तम्बाकू जब्त कर नारपोली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रही है आगे की जांच। आज सेंसेक्स 102 अंकों की गिरावट के साथ 80,502 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 24,509 पर हुआ बंद। गोल्ड 72,592 पर ट्रेड करते हुए सिल्वर 88,863 पर और क्रूड ऑयल 6,562 पर ट्रेड करते हुए।